आज डोईवाला विधानसभा के सतीवाला टोंगिया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो गए हैं। आज डोईवाला विधानसभा बहुत ही पिछड़ गया है, जबकि इस विधानसभा से जनता ने एक पूर्व मुख्यमंत्री भी दिया है, तब भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आज जनता सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रही है, परंतु इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। और यहां से जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में कोई अहम योगदान नहीं दिया, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को भारी जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान खाद व उर्वरक आदि के लिए तरस रहे हैं, फसलों का मुआवजा तक नहीं मिल रहा है और जनता छोटे छोटे कामों के लिए धक्के खा रही है। भाजपा की सरकार ने क्षेत्र को 20 साल पीछे धकेल दिया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए कि आज मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किए। कार्यक्रम के दौरान नागपाल ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस को अपना समर्थन दे और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाकर अपना सहयोग करे, ताकि उनकी जन समस्याओं का समाधान हो सके और प्रदेश में एक ऐसी सरकार आ सके जो प्रदेश व विधानसभा क्षेत्र के लिए खुशहाली ला सके। वाला गांव में आए थे, जन समस्याएं हमने यहां पर आकर सुनी और आज हमें यहां पर आके बड़ा ही दुख होता है कि 5 साल से लगातार भाजपा की सरकार है यहां पर और इस क्षेत्र ने 4.5 साल मुख्यमंत्री दिया और आज मुख्यमंत्री देने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा सड़कों का बुरा हाल है, नालियाँ नहीं हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे युवा साथी और किसानों का तो आपने देखा ही है पूरे देश में भाजपा की सरकार में क्या हाल हुआ है। और यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा है लोगों को और पीले कार्ड पर जहाँ 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो ये चावल दे रहे हैं उससे क्या एक परिवार पाला जा सकता है पूरे महीने भर में? हम भाजपा की सरकार से ये पूछना चाहेंगे और आने वाले समय में जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई इतनी दे दी है कि लोगों का खाना खाना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।